Hello student, in this video we discuss about the Slav dynasty. We discuss today the last ruler of Slav dynasty, Gyasuddin Balvan. Balvan जो था ये last and most important ruler था Slav dynasty का. There he was one of the great rulers of Slav dynasty and followed the policy of blood and iron. He tried to strengthen his hold over the kingdom by taking the following measures. He introduced an efficient spy system to keep watch on the activities of the nobles, governors and other officials. कहने का मतलब ग्यासुद्दीन बलवन जो था एक लास्ट और मोस्ट स्ट्रांग रूलर या इम्पोर्टेंट रूलर था. इसने अपनी स्ट्रेंथ यानी अपने जो पावर है अपनी जो पोजीशन है उसको इन्होंने और ज्यादा डोमिनेट किया और ज्यादा इन्होंने इसको बढ़ाया और इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को एडॉप्ट किया. यानी एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रिक्ट रूल पॉलिसी को इसने एडॉप्ट किया और जो स्लैब डायनेस्टी की पोजीशन को और ज्यादा बेहतर बनाया. बट इस अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द डेथ ऑफ बलवन अदर जो सक्सेसर थे उसके उतने कैपेबल नहीं थे और एट लास्ट फाइनली जो स्लैब डायनेस्टी 1219 में जाते जाते ये खत्म हो जाता है और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है. आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में. द खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320 AD यानी खिलजी डायनेस्टी जो था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज करता है. यानी स्लैब डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है जिसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी. द मेन रूलर्स ऑफ द खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी. देन स्टूडेंट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द जलालुद्दीन खिलजी. द स्लैब डायनेस्टी क्लोज्ड विद इन 4 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ बलवंश. द पावर स्ट्रगल कमांस्ड अमंग द अदर्स हु हैड एम्बिशन टू टेक ओवर द थ्रोन. यानी स्लैब डायनेस्टी जब एंड होता है यानी बलवन के डेथ के 4 ईयर्स के बाद जो स्लैब डायनेस्टी एक तरह से एंड हो जाता है और उसके बाद जो नोबल्स होते हैं यानी जो उसके मिनिस्टर या गवर्नर होते हैं वो जो सल्तनत के पावर्स को डोमिनेट करना चाहते हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं और गद्दी पर बैठना चाहते हैं. ऐसे सिचुएशन में जलालुद्दीन खिलजी हु वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी अंडर द ग्रैंड सेंड ऑफ बलवन टूक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी रूलर्स ऑफ दिल्ली. कहने का मतलब ऐसे सिचुएशन में जलालुद्दीन खिलजी जो कि कमांडर ऑफ आर्मी था यानी सेनापति था बलवन के ग्रैंड सन का वो इसका एडवांटेज का लाभ उठाता है और वो बलवन के ग्रैंड सन को मार के 1290 AD में खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है. पर यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि वो ऑलरेडी 70 ईयर्स ओल्ड था 70 साल का था. बट देन आफ्टर द कैप्चर दिल्ली एंड ही वॉज सून मर्डरेड बाई हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी. और ये कुछ दिनों बाद ही वह जलालुद्दीन खिलजी जो कि 17 ईयर्स ओल्ड था वो जब 1219 में गद्दी पर बैठता है तो 6 साल बाद उसके जो नेफ्यू यानी उसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी वो उसको डेथ कर देता है मर्डर कर देता है और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लेता है. यानी स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी था 1296 to 1316 AD. अलाउद्दीन खिलजी ही वॉज ग्रेट मिलिट्री कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर. ही हैड एम्बिशन ही बी ए वर्ल्ड कॉन्क्वर्ड लाइक अलेक्जेंडर. यानी अलाउद्दीन खिलजी जो कि अपने चाचा को मर्डर करके यानी जलालुद्दीन खिलजी को मार के 1296 में गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है वो एक ग्रेट कमांडर था और एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था. वो उसके पास एम्बिशन था कि वो पूरी दुनिया का सुल्तान बने यानी जस्ट लाइक इज द अलेक्जेंडर. According to him, we all revolt that were taking place there because nobles were leading a luxurious life and they were hatching consequences. यानी देखा जाए तो वो जो नॉबल्स थे जो कि गवर्नर्स थे उनको पहले उसने कंट्रोल किया उनके लग्जरियस लाइफ को कंट्रोल किया. अलाउद्दीन खिलजी ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल सिस्टम स्पाई टू कीप वॉच ऑन नॉबल्स एंड गवर्नर. यानी सबसे पहले वो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए उसने डिफरेंट मेजर्स उन्हें अडॉप्ट किए जैसे कि ही ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल सिस्टम ऑफ स्पाइस टू कीप ए वॉच ऑन नोबल्स एंड गवर्नर्स.
प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ वाइन एंड रिस्ट्रिक्टिंग सोशल गैदरिंग ऑफ नॉबल्स, यानी वाइन और जो को उन्होंने टोटली प्रोहिबिटेड कर दिया. कॉन्फिसकेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉबल्स विच दे हैड रिसीव्ड ए गिफ्ट और ग्रांट, और नॉबल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको उसने एक तरह से वापस ले लिया. अदर देन हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लिस्टेड अबव द ब्राउट अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने नया इकोनॉमिक पॉलिसी भी उन्होंने बनाया. ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज टू पीपुल एट रीजनेबल रेट्स, और वो चाहता था कि जो एसेंशियल जो प्राइस जो चीज़ें हैं, जो खाने पीने की स्पेशल चीज़ें हैं स्पेशली, उन चीज़ों को वो जो कमोडिटीज है वो लोगों तक आसानी से और वो सही रेट में मिले. तो दैट्स वाई ही वॉज फर्स्ट रूलर अब दिल्ली सल्तनत टेकन ए मार्केट पॉलिसी. मैंने पहले ही बताया ही वॉज ग्रुड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए देखा जाए वो फेमस है अपने मार्केट पॉलिसी को लेकर. जैसे देर आर रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड, उसने जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया. कंट्रोलिंग द सेल ऑफ आइटम्स सो दैट एवरीवन कुड गेट देम, और जो आइटम्स जो चीज़ें हैं उसको भी जो कौन से चीज़ें हैं वो मार्केट में सेलिंग होना चाहिए और नहीं उसको कंट्रोल करता है. अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर टू इंश्योर दैट ट्रेडर सेल द गुड एट द फिक्स प्राइस दे डू नॉट हॉल्ड, यानी देखा जाए तो उस तरीके से उसने एक ऑफिसर भी उसने अपॉइंट किया कि जो इन चीजों को ऑब्जर्व कर सके, मार्केट्स को ऑब्जर्व कर सके. सेंडिंग कीपिंग ए चेक ऑन वेट एंड मेजर, उसने एक तरह से वेट जो मेजर्स है उसको एक तरह से कंट्रोल किया. इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ द गोदाम्स टू स्टोर ग्रेन्स आफ्टर क्रॉप्स, और उसने डिफरेंट गैनरीज बनाए जहाँ जहाँ पर कि ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके. रेवेन्यू पॉलिसी ही इंश्योर दैट द मेंटेन इनफ स्टॉक ऑफ फूड एंड हैड इनफ मनी फॉर हिज आर्मी टू रेज द टैक्स लेवल ऑफ 50% ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स, यानी देखा जाए तो उसने रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाया. जो फार्मर्स के जो प्रोडक्शन थे यानी ग्रेन्स थे उस पर उसने 50% टैक्स बढ़ा दिया जिससे कि उसका इनकम बढ़े और वो बड़ी आर्मी को कंट्रोल कर सके. देन स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि इस तरीके से स्लैब डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश होता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर होता है. अलाउद्दीन खिलजी का एम्बिशन था पूरे वर्ल्ड का सुल्तान बनना और इसलिए उसने बहुत बड़ी आर्मी बनाई और साथ साथ वो फेमस रहे अपने मार्केट पॉलिसी के लिए जिसमें बहुत सारे उसने रिफॉर्म भी किए और एक तरह से इस तरीके से उसने अपने बड़े आर्मी और मार्केट पॉलिसी के थ्रू उसने बहुत बड़े एम्पायर को एस्टैब्लिश किया. वो फर्स्ट रूलर था जिसने साउथ इंडिया को भी विन किया और स्पेशली मलिक काफूर जो उसका कमांडर था, कमांडर ऑफ चीफ था, जिसने कि साउथ इंडिया पर अटैक किया स्पेशली तेलंगाना जो मॉडर्न तेलंगाना है वहाँ पर, और उसको विन करता है. और एक तरह से देखेंगे तो वो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया में उसने अपने जो दिल्ली सल्तनत है उसके जो एरियाज है उसको एक्सपेंड करता है. जैसे यहाँ दे ही रहे अलाउद्दीन सक्सेसेड इस्टेब्लिश ए वास्ट एम्पायर इन इंडिया इज नॉर्थ वेस्ट इन एक्सटेंडेड अप टू द रिवर सिंधु, इन द ईस्ट एक्सटेंड इन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश उड़ीसा बिहार एंड पार्ट ऑफ बंगाल, इन द नॉर्थ ऑफ एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब द विंध्या, इन द साउथ एक्सपेक्ट द पांड्या रूलर्स और अदर एक्सपेक्टेड. दैट्स क्लियर द स्टूडेंट द इन इन दिस मैप ऑल्सो द सो द एरियाज ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज एम्पायर. तो दैट्स क्लियर स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द तुगलक एंड डायनेस्टी एंड अदर डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. देन थैंक यू.